अगले 24 घंटे में गर्मी के तेवर होंगे ढीले। आज कुछ जगहों पर हो सकती है बारिश। राजधानी में उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। अगले 24 घंटों में गर्मी के तेवर होंगे ढीले। आज कुछ जगहों पर हो सकती है बारिश। मानसून वाले बदरा रुक रुक कर दिल्ली के ऊपर आसमान में सिर्फ डेरा डाले आगे बढ़ रहे। बारिश न होने की वजह से तेज धूप और नमी वाली हवा से उमस बढ़ गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे यानी बुधवार को मानसून की बारिश एक बार फिर गर्मी के तेवर ढीले कर सकती है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए बारिश की संभावना जताई थी। हालांकि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। आधिकारिक मानक केंद्र सफदरगंज पर सुबह 8:30 बजे तक 0.1 मिमी बारिश का रिकॉर्ड हुआ। वही सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5:30 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। मयूर विहार में 4.5 मिमी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 मिमी बारिश दर्ज हुई है। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में तेज धूप निकली रही और लोग उमस से परेशान रहे। अधिकतम तापमान सामान्य के बराबर 36.8 व न्यूनतम तापमान भी सामान्य के बराबर 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 62 से 79% रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान है कि मंगलवार को बादल छाए रहने के साथ कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि बुधवार को पूरे दिल्ली NCR में बारिश हो सकती है। दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना। मध्यम रफ्तार से चलेंगी हवाएं। हवा में नमी का स्तर रहेगा सामान्य। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ टुडे 24।